नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर वेट की कार्ड टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं हम कंपेयर कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से, लेकिन अगर हम राइडर वेट की कार्ड टू ऑफ सॉर्ड्स में जाएंगे तो उसके मीनिंग्स बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो शुरुआत करते हैं टू ऑफ सॉर्ड्स से। टू ऑफ सॉर्ड्स में हम देख सकते हैं कि एक फीमेल फिगर को हमने दिखाया हुआ है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और जिसने दो सॉर्ड्स जो हैं पकड़ी हुई हैं। तो जब भी टू का कार्ड आता है वो हमें बताता है किसी बैलेंस की स्टेज को, कि ये व्यक्ति जो है कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं बात हो रही है सॉर्ट्स की, तो यहाँ पे बात है थिंकिंग की, इंटेलेक्ट की, जो भी आपके मन से जो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उसकी बात की जा रही है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तरह का बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, कि ये फिगर जो है एक तरह का बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप इस फिगर को जो है कंपेयर कर सकते हैं उस लेडी के साथ जो कि जजमेंट कार्ड में है। उसकी भी यही स्थिति है कि उसने जो है आंखों में पट्टी बांधी हुई है, एक हाथ में सॉर्ड है और एक हाथ में स्केल है। तो एक सबसे बड़ी बात जो कि टू ऑफ सॉर्ड्स में मैं देखता हूँ वो ये कि ये व्यक्ति एक तरह का बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में, कि ये व्यक्ति एक तरह का डिसीजन लेना चाहता है, और डिसीजन ऐसा लेना चाहता है जिसमें जो है वो बायस ना हो, कि वो ऐसा डिसीजन ले सके कि वो सिर्फ उसके हक में ना हो बल्कि वो दूसरे के बारे में भी सोच सके। इसलिए ये फिगर रिलैक्स्ड है और बहुत ही सूझबूझ के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। तो आइए अब इसको हम कंपेयर करते हैं कार्ड स्किज़ोफ्रेनिया से। स्किज़ोफ्रेनिया में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है जैसे खाई में जो है लटका पड़ा है, एक तरफ उसके हाथ और दूसरी तरफ उसके पैर, जो कि एक स्प्लिट की स्थिति शो करती है। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब ही ये होता है स्प्लिट पर्सनालिटी, कि एक तरह का स्प्लिट आपकी पर्सनालिटी के अंदर, कि आप जो है डिवाइडेड है, आप इंटीग्रेटेड नहीं है, आप वन नहीं है, आप टू हैं। अगर हम संसार की बात करें तो संसार जो है वो डुअल है, संसार जो है दो के अंदर बांटा जा सकता है, गुड और ईवल, अच्छा और बुरा, सुंदर और करूप, रात और दिन। लेकिन जब हम भीतर के जगत की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, वहाँ पे जो है आप अखंड है, वहाँ पे आप जो है एक है। इस कार्ड में हम देख सकते हैं कि ये फिगर जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजिशन में है। वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि पहले जो है अपने हाथ छोड़े या अपने पैर छोड़े, दोनों स्थितियों में जो है वो नीचे गिरता है। और कार्ड के अकॉर्डिंग जो है जो राइट सोल्यूशन जो है इस स्थिति का है, वो सोल्यूशन ये है कि इस व्यक्ति को जो है अपने आप को पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। पहले हाथ छोड़े या पहले पैर छोड़े वो सवाल नहीं है, क्योंकि जब अगर वो जो है चूज़ करता है तो वो एक ड्यूअलिस्टिक नेचर में फंस जाता है, वो दो में फंस जाता है। लेकिन जब वो जो है इकट्ठे ड्रॉप करता है, जब अपने हाथ और पैर अपने आप को पूरी तरह से एक सरेंडर की पोजीशन में लेके आते हैं, वहाँ पे जो है एक अखंडता आपको मिलती है, वहाँ पे जो है ये आदमी जो है एक हो जाता है। गुरु ओशो इस कार्ड के बारे में बोलते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक नॉर्मल स्थिति है। अगर हम नॉर्मली जो है आदमी को देखें, वो हमेशा हम उसको जो है बटा हुआ पाएंगे, और उसके बटे हुए होने के कारण ही उसके जीवन में दुख है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। एक हिस्सा इस तरफ बटा हुआ है, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ बटा हुआ है, एक हिस्सा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा हिस्सा जो है राइट की तरफ जा रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप जो है इंटीग्रेटेड होते हैं, आप जैसे आप जो है एक होते हैं, कि आपका जो है एक एम होता है, कि आप जो है एक तरफ ट्रैवल करते हो। और जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आदमी के ड्यूलिस्टिक नेचर की। संसार में जब भी ये व्यक्ति जाएगा वहाँ पे जो है ये ड्यूलिस्टिक नेचर रहेगा, और जब ये फाइनली जो है संसार से मुक्त होकर अपने भीतर जाएगा तो वहाँ पे जो है एकता उसको मिलेगी, वहाँ पे उसको अखंडता उसको मिलेगी।
पहली बार जो है उसका जो स्कैटर्ड नेचर है, जो अगर वो जो स्प्लिट नेचर है वो जो है इंटीग्रेट होता हुआ दिखेगा उसको। माइंड का जो नेचर है वो स्प्लिट है, जो सोल का जो नेचर है, जो आपकी आत्मा का जो स्वभाव है वो जो है एक होना है, वहाँ पे किसी भी तरह का स्प्लिट नहीं है। तो एक कांस्टेंट एक फाइट चलती रहती है हमारे भीतर। हमारे भीतर जो है हम एक होने की कोशिश करते रहते हैं और हमारे बाहर जो है ये स्प्लिट नेचर जो है हमें शो करता है। लेकिन जैसे जैसे जो है ये भीतर की अखंडता बढ़नी शुरू हो जाती है कि आप अपने भीतर के साथ जो है जब आप कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तब उसके एक होने के कारण जो है आपकी जो बाहर की जो स्थिति है, जो आपके बाहर की जो स्प्लिट नेचर है वो जो है हटनी शुरू हो जाती है, आप एक होने शुरू हो जाते हैं। आप जैसे भीतर से होते हैं वैसे ही बाहर होने लग जाते हैं, और जैसे बाहर होते हैं वैसे ही भीतर होने लग जाते हैं। इसलिए धर्म की सारी खोज यही है कि कैसे आपका जो स्प्लिट नेचर है, कैसे जो है आपके अंदर जो स्किज़ोफ्रेनिया, जो ये जो नेचर है आपका, वो जो है आपका समाप्त हो जाए, और उसकी समाप्ति के कारण जो है आपके भीतर जो है एक क्रिस्टलाइजेशन पैदा होती है, एक इंटीग्रेशन पैदा होती है, एक अनडिवाइडेड नेचर जो है आपके अंदर जो है क्रिएट होता है। अभी आप जिस तरह से हैं वहाँ पे जो है आप एक क्राउड है, वहाँ पे जो है आप एक भीड़ है, आपके भीतर जो है बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारी जो हैं हाँ कह रही हैं, बहुत सारी कह रही हैं ना कह रही हैं, बहुत सारी जो हैं न्यूट्रल की स्टेट में है। तो एनर्जी जो है एक स्कैटर्डनेस के अंदर है, एनर्जी जो है बिखरी हुई है। जब आप हाँ कहना चाहते हैं तो साथ में ना भी खड़ा हुआ है, जब आप ना कहना चाहते हैं तो हाँ भी है साथ में। वहाँ पे जो है कांस्टेंट एक तरह का जो है कन्फ्यूजन जो है आप देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। राइट वे ये होना चाहिए कि आपके भीतर जब हाँ उठती हो तो उस हाँ के अंदर जो है एक कम्प्लीटनेस हो, जब ना उठती हो तो उसके अंदर एक कम्प्लीटनेस हो। लेकिन अभी ना आपका हाँ पूरा है ना आपका ना पूरा है, क्योंकि आपके भीतर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का नेचर है। हम आज के जगत में जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है हम उसको जो है साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है आपको जो है कंफर्टेबल ज़रूर बना देता है, आपके ऊपर के जो डेड लीव्स होते हैं, आपके जो ऊपर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको तो सॉल्व कर देता है, लेकिन वो जो भीतर के जो जो कॉज है उसके ऊपर काम नहीं कर पाता। अक्सर जो है मेडिसिन जो है बाहर की जो है पेरिफेरी के ऊपर काम करती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसका कॉज क्या है। अगर हम बीमारी को जो है उसको जड़ अगर उसकी जान सके तो उसके जो है इफ़ेक्ट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर का जो साइकोलॉजिस्ट है वो इफ़ेक्ट्स के ऊपर काम करता है, कॉज के ऊपर काम नहीं करता। वो उसको इस सोसाइटी के लायक ज़रूर बना देगा, उसके अंदर कंफर्टेबल बना देगा, वो आप लोगों के बीच जी सकेगा, लेकिन हमेशा जो है उसके भीतर जो है कुछ ना कुछ डिवाइडेड रहेगा। हर वक्त जो है एक तरह की जो है एक स्प्लिट पर्सनालिटी जो है उसके भीतर रहेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ अस, कि हम ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग जो है एक स्प्लिट पर्सनालिटी में जी रहे हैं, कि हमारे भीतर जो है वो एकता नहीं है, हमारे भीतर जो है वो अखंडता नहीं है, कि हमारा जो हाँ जो है वो पूरा नहीं है, हमारा ना जो है वो पूरा नहीं है, हमारा होना जो है वहाँ पे पूरा नहीं है। इसलिए बाहर का साइकोलॉजिस्ट, बाहर का मनोवैज्ञानिक जो है वो आपकी जो मदद है वो इतने गहरे से नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है, अगर कोई आपके जीवन को बदल सकता है, अगर जो है आपके जीवन में कोई प्रकाश ला सकता है, तो वो एक बुद्ध पुरुष। कि जब आप एक गुरु के पास जाते हैं जिसने अपने भीतर जो है प्रकाश को पा लिया है, तो जब आप उस गुरु के पास जाएंगे तो वो आपके जो है इफ़ेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करेगा, वो आपके कॉज के ऊपर काम करेगा। वो आपको जो है ध्यान के साथ जोड़ेगा, वो आपको जो है साधना के साथ जोड़ेगा। और जितना व्यक्ति जो है अपनी साधना के साथ जुड़ता है, ध्यान के साथ जुड़ता है, योग के साथ जुड़ता है, उतना ही जो है उसका जो अखंड जो नेचर है, जो उसका जो इंटीग्रेटेड जो नेचर है वो बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है, और उतना ही ज़्यादा जो स्किज़ोफ्रेनिया जो उसका जो नेचर है बाहर का वो जो है हटना शुरू हो जाता है, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाहर की मेडिसिन से ज़्यादा जो है अपने भीतर पहले रिलाई करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर की मेडिसिन को जो है इग्नोर कर दिया जाए, नहीं, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जो है अपने भीतर जो है सबसे पहले जो है जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, आपके पास जो ऑलरेडी एक फैकल्टी जो आपके अंदर बैठी हुई है, एक हीलिंग की फैकल्टी, एक ऐसी फैकल्टी जो आपको जो है अखंड बनाती है,
तो ये सारे के सारे टूल्स जो हैं आपके भीतर हैं। सिर्फ बाहर की मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाना जो है वो एक तरह का जो है अपाहिजपन है। तो प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने भीतर से जो है जुड़ ना सकें, कि जब तक जो है आप अपने भीतर कनेक्ट ना कर सकें, जब तक कि आपकी जो है ध्यान की यात्रा जब तक जो है शुरू ना हो जाए। और ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर ही अटक के रह जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि एक साम्राज्य, एक ट्रेजर, एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है उनके भीतर है जिसको वो डिस्कवर कर सकते हैं, जिसके जुड़ने के कारण जो है आपके अंदर जो है एक यूनिटी का एक्सपीरियंस होता है। वननेस इज डिवाइन, टूनेस इज अनडिवाइन, एंड मैनीनेस इज मैडनेस। तो जब आप एक होते हैं तो आप जो है उस परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं, आपकी जो ऊर्जा जो होती है बहुत एक डिवाइन वे से जो है वर्क कर रही होती है। लेकिन जब आप स्प्लिट नेचर में हो जाते हैं तो आपके भीतर जो है स्किज़ोफ्रेनिया की सिचुएशन क्रिएट होती है। जब स्किज़ोफ्रेनिया की सिचुएशन होती है तो वो रुकती नहीं है। जब आपकी पर्सनालिटी जो है टूट रही है, एक से दो हो गई है, तो वो दो पे रुकती नहीं है, वो दो से जो है और ज़्यादा जो है स्प्लिट होती जाती है, जिसको हम मैडनेस की सिचुएशन कहते हैं। एक मूवी जो है मैं रेफरेंस के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, ये मूवी जो है एम नाइट शैमलन की है और मूवी का नाम है द स्प्लिट। मूवी में हम क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति एक व्यक्ति है लेकिन ये बटा हुआ है 10-12 लोगों के अंदर, और ये सब के सब 10-12 लोग जो हैं इसके भीतर जो है जीते हैं। और कब जो है ये एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी पे शिफ्ट हो जाता है उसको खुद पता नहीं चलता। ये एक तरह का क्राउड जो है इस व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ है, और इस क्राउड के होने की वजह से जो इसका जो रियल नेचर है, जो इसका जो असली जो स्वभाव है, वो तो जैसे गायब ही हो गया इस भीड़ के अंदर। ये कौन है ये व्यक्ति असली में, एक्चुअली में कौन है, उसका कुछ नहीं पता चल रहा। सिर्फ एक ही तरीका है इस मैडनेस से बाहर आने का, इस स्किज़ोफ्रेनिया से बाहर आने का, और वो है मेडिटेशन। जितनी आपकी जो मेडिटेशन जो है स्ट्रेंथन होती जाएगी, जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, उतना जो है आप इस पागलपन से जो है दूर हटते चले जाएंगे। बल्कि जो आपके भीतर जो भी पागलपन के जो बीज हैं, जो भी स्किज़ोफ्रेनिया के जो बीज हैं, वो सब के सब जल के जो है राख हो जाएंगे। तो अपने जीवन को एक ब्लिसफुल वे से जीना, अपने जीवन को जो है एक टोटैलिटी में जीना, कि उसमें किसी भी तरह का जो है स्प्लिट ना हो, तो आपके जीवन में जो है एक ग्रेस आ जाती है, एक ब्लेसिंग आ जाती है। और जीवन और कुछ नहीं, जीवन जो है अखंडता का नाम है, जिसमें जो है आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ब्लिसफुली जी पाते हैं। जहाँ पे भी जो है आपके भीतर दुख आता है, तकलीफ आती है, वो एक तरह की जो है हमें स्प्लिट नेचर की खबर दे रहा है, वो हमें जो है एक स्किज़ोफ्रेनिया की खबर दे रहा है। तो जब भी आप अपने जीवन को पूरी तरह से जो है एक्सप्लोर करते हैं, पूरी तरह से जीते हैं, वहाँ पे ब्लिसफुलनेस क्रिएट होती है। लेकिन जब भी आप कोई काम जो है हाफ हार्टेडली करते हैं, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका एक हिस्सा उसमें काम कर रहा है, एक हिस्सा राजी है, एक हिस्सा राजी नहीं है, तो वहाँ पे जो है एक स्प्लिट की पर्सनालिटी जो है क्रिएट होती है, वहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया जो है क्रिएट होता है। तो लाइफ का जो गहरा जो रहस्य है, लाइफ का जो गहरा जो मीनिंग है, वो यही है कि आप अपनी लाइफ को जो है कम्प्लीटली जो है विदाउट एनी स्प्लिट को जी पाए। इसलिए हम आदमी को देखते हैं कि वो कहता कुछ है, करता कुछ है। ऊपर से वो हाँ कहता हुआ दिखेगा लेकिन भीतर से वो ना होगी, या फिर ऊपर से ना कहता हुआ दिखेगा लेकिन भीतर जो है हाँ होगी। इस तरह का जो नेचर है, इस तरह का जो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है, ये दुख के सिवा जो है और कुछ नहीं क्रिएट करता अपनी लाइफ में। तो इस कार्ड का जो रियल मैसेज है आपके लिए, वो यही है कि आपके भीतर जो है एक अनस्प्लिट नेचर जो है क्रिएट हो, और आप अपने भीतर जो है स्थापित हो, आप अपने भीतर जो है स्ट्रांगली जो है रूटेड हो। उस रूटेड होने में जो है आपका ब्लिस है, उस रूटेड होने में जो है आपकी जो है फ्लावरिंग है। एक जोशी जो है बुद्ध को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचा। इस जोशी ने जो है बुद्ध के जो है पैरों के चिन्ह जो है देखे हुए थे। ज्योतिषी जो था वो बहुत हैरान था, क्योंकि इस तरह के जो चिन्ह थे पैरों के, वो सदा से अपनी पूरी ज़िंदगी जो ढूंढ रहा था, क्योंकि ये चिन्ह उस व्यक्ति के थे जो कि चक्रवर्ती सम्राट है, जो कि इस पूरे संसार को जो है रूल करेगा, जो कि इस पूरे साम्राज्य को जो है शासन करेगा। तो जोशी जो है बुद्ध के पास गए।
तो उस ज्योतिषी ने बुध के पैर छुए और बुध को पूछा कि आप कौन हैं, आपके जो चिन्ह हैं पैरों के वो तो चक्रवर्ती सम्राट के हैं, क्या आप चक्रवर्ती सम्राट हैं? तो बुध ने कहा, नहीं, मैं कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हूँ। तो ज्योतिषी ने कहा कि तो क्या आप भगवान हैं? बोलते, नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो ज्योतिषी ने बोला कि आप कुछ तो हैं, बताइए तो सही, तो क्या आप आदमी हैं? नहीं, मैं कोई आदमी नहीं हूँ। तो ज्योतिषी जो है पूछता चला गया, उसने बोला कि तो क्या आप औरत हैं? बोलते, नहीं, मैं औरत नहीं हूँ। तो क्या आप जानवर हैं? नहीं, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। तो क्या आप गंधर्व हैं? नहीं, मैं कोई गंधर्व नहीं। तो ज्योतिषी ने पूछा, तो आखिर आप हैं कौन? आपके जो पैरों के जो चिन्ह हैं वो जो है चक्रवर्ती सम्राट के हैं, जो कि इस पूरे संसार को जो है रूल करेगा। तो बुद्ध ने बोला कि वो बात ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे जो है क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे कि मैं आदमी हूँ, जानवर हूँ, भगवान हूँ, तो तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। तो ज्योतिषी ने कहा कि आखिर आप ही बता दीजिए, तो फिर आप हैं कौन? तो बुद्ध ने कहा कि मैं सिर्फ एक बुद्ध हूँ, मैं सिर्फ एक अवेयरनेस हूँ, मैं सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं सिर्फ एक जागरण हूँ, मैं सिर्फ एक विटनेस हूँ, मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ। तो ये कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंसर था जो कि बुद्ध ने दिया, कि जब आप जो है उस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे जो है सिर्फ एक कॉन्शियसनेस रहती है। तो बुद्ध ने कहा कि जहाँ पे आपके साथ जो है जब वो बुद्धत्व घटता है, तो वहाँ पे जो है ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है वो गिर जाती हैं आपकी। आप सिर्फ एक कॉन्शियसनेस रह जाते हैं, आप सिर्फ एक जो है जागरण रह जाते हैं, आपके सारे स्प्लिट जो हैं वो सारे हट जाते हैं, आपको अपनी अखंडता का जो है अनुभव होता है, आपको अपने बुद्धत्व का अनुभव होता है। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपके भीतर भी जो स्प्लिट, जो नेचर है, उससे आप मुक्त हो सकें और अपने बुद्ध की तरफ जो है आप अपनी आँख मोड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।